awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. खाने पीने की जो बात कह रहे थे आप, इतनी इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए देखिए गेम कहिए, एक्सपेरिमेंट कहिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये खा के देखता हूँ मैं, अभी असर देखता हूँ। पानी को अभी मैंने क्या किया कि बच्चे छोटे आते हैं ना सुबह खेलने, तो सब पूरे घर का पानी, तो रोज उसको वाइब्रेशंस देके कि परमपिता परमात्मा की शक्ति तुम में है, हर ड्रॉप में है, यू आर प्योर, यू आर पावरफुल, यू आर लव, तुम यू आर वेरी टॉलरेंट, यू आर लव 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 पीस। ऐसे बोल बोल के पत्ते डाल के फिर परमात्मा को थोड़ी सी मेडिटेशन करके आई फील कि सब पूरे पानी में नो एक पूरा सीन एनेक्ट करता हूँ। सारे पानी के अंदर ऐसी शक्ति आ रही है कि घर में जो पानी ये पी रहा है, हर सोल, इतना प्यार बढ़ गया घर में और सब किसी को एक दूसरे के प्रति नफरत गुस्सा कुछ नहीं है। घर मेरा मंदिर बन गया है, घर शांत है। हर एक इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह करके देखे, हर घर में एक आत्मा ये जिम्मेवारी ले ले कि उस घर में जो पानी है जिसको सारे पीने वाले हैं सारा दिन, और उस घर में जो अन्न है उसको रोज़ एनर्जाइज करें। जैसे आपने कहा वाटर, बिकॉज वाटर प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब अगर हमने सारा दिन का जो पीने का पानी है उसको एक बर्तन में जैसे इकट्ठा किया और उसके ऊपर फोकस्ड एनर्जी डाली, उस घर में होने वाली स्पेसिफिक चीज़ों की एनर्जी उस पर डाली। हमारे पास पिछले कुछ दिनों में 2 लोग ऐसे सेंटर पर आए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एक ने कहा मेरी 2 बहुओं के बीच में बहुत झगड़ा होता था, उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा इसके बारे में, तो चलो मैं इस इंटेंशन को पानी में ही डाल दूँ कि इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती है, इन दोनों का रिश्ता आपस में बहुत प्यारा है। एंड ही सेड व्हाइल आई वाज डूइंग इट, आई स्टार्टेड डूइंग इट मोर लाइक यू नो, मोर लाइक फन कि करके देखते हैं। ही सेड इन अ सटल वे, मैं बिलीव भी नहीं करता था कि ये एक्चुअली इतना रिजल्ट दे सकता है। कहता आई वाज अमेज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना परिवर्तन भी आ सकता है। कहते लेकिन मैंने रोज़ किया कि रोज़ उस पानी में परमात्मा की शक्ति भर रही है और मैंने उसको अंदर इंटेंशन डाला कि ये 2 आत्माओं का आपस में रिश्ता बहुत सुंदर, बहुत परफेक्ट है। दूसरा उसने कहा एज की वजह से मेरी मेमोरी थोड़ी सी घटती जा रही थी। कहते मुझे लगने लग गया था कि मुझे चीज़ें भूल रही हैं, मुझे पुरानी कोई बात जो कहाँ रखी वो याद नहीं आ रहा। कहते मैंने वो इंटेंशन भी अपने पानी में डालना शुरू कर दिया कि माय मेमोरी पावर इज़ परफेक्ट। वाह। एंड ही सेड आई हैव गॉट रिजल्ट्स। एक और बहन आई, कहती मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की आदत उनको लग गई, हमारे घर में झगड़े होने शुरू हो गए, हमने बहुत रोकने की कोशिश की, उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने नहीं बंद किया। कहती मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, उसके बाद मैंने सिर्फ पानी में ये इंटेंशन डालनी शुरू कर दी। उनको जो पानी रोज़ दिया ऑफिस लेकर जाने के लिए और उसमें इंटेंशन दी ये आत्मा इस आदत से मुक्त है, ये आत्मा इस एडिक्शन से पूर्ण रीति से मुक्त है। तो उन्होंने कहा कि उनकी वो जो नंबर ऑफ वो सारा दिन में लेते थे वो बहुत बहुत कम हो गई है। एंड वो खुद भी हैरान हैं कि हाउ एम आई एबल टू रिड्यूस इट, क्योंकि करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे। लेकिन कई दिनों तक वो एनर्जी वाला पानी पीने से पूरी तरह से नहीं ख़त्म हुआ अभी वो एडिक्शन, लेकिन कहा कि बहुत कम हो चुकी है हाउ मच ही इज़ टेकिंग इन द होल डे, क्योंकि उस पानी में इंटेंशन क्या डाली थी, ये आत्मा इस एडिक्शन से मुक्त है, इस आत्मा की विल पावर बहुत बहुत हाई है, वी कैन एक्सपेरिमेंट दिस विद एनीथिंग। ये सारा दिन फिर हमें एक्सपेरिमेंट करना है ना. इट्स लाइक हमारे पास एक पावर है और हम उस पावर को यूज़ नहीं कर रहे. नॉलेज है, वो पावर है, लेकिन पावर को यूज़ तो करें. घर में कोई बात है, कोई रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट है, हम कितनी मेहनत करते हैं उस रिश्ते को ठीक करने के लिए. हम कहते हैं कुछ भी हो जाए ये रिश्ता ठीक हो जाए, कुछ भी हो जाए इनकी सेहत ठीक हो जाए. लेकिन वो ठीक करने के लिए हमारे पास जो पावर है, क्या वो हम कर रहे हैं? उस पावर को यूज़ करना शुरू करें कि अन्न और पानी में वो वाइब्रेशन डाल के उनको देना शुरू करें. कितना टाइम लगेगा ये करने के लिए? अगर हम रोज़ सुबह परिवार जो सारा पानी जो पीने वाला है उसको लेकर हम एनर्जाइज करें, इसको कितना टाइम लगने वाला है? 5 मिनट्स. 5 मिनट्स ऑफ एनर्जाइजिंग वाटर गिविंग हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू द एंटायर फैमिली. हमारे थॉट्स की शक्ति है ना. ये थॉट्स का वाइब्रेशन का पानी पर असर और पानी के वाइब्रेशन का पीने वाले पे असर. हम हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं, हम कहते हैं गंगा जल. गंगा जल का क्या महत्व है? वाई इज इट सच हाई एनर्जी वाटर? हीलिंग वाटर एंड हाई एनर्जी वाटर इज डिफरेंट. और कभी बासी भी नहीं होता है वो. हाई एनर्जी वाटर वो क्यों है? उसका एक और रीज़न ये है कि उस गंगा तट पर सारा दिन हो क्या रहा है, हर रोज़ क्या हो रहा है, कितनी आरती हो जाए पाठ पूरा दिन रात, कितनी आरती, हवन, शुद्धिकरण, कितनी हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी. तो जल प्योर था तो इन्होंने पूजा शुरू की होगी. हाँ, और पूजा करते हुए और हो गया और होता गया. फिर हम उस गंगा, सबका इंटेंशन उसमें आ गया ना. उसके अंदर दिया रखते हैं जला के पूजा करके. yes. और नहीं, गंगा के पानी की भी तो पूजा करते हैं. हाँ. कि तुम गंगा माँ हो. हाँ. तुम देवी हो, तुम पवित्र right. हो right. तुम सारों के सब हमारे दुख और क्या है हमारे पाप नष्ट करती हो तुम. ये सो पावरफुल. अब अगर हमने पानी को ये इंटेंशन दिया कि तुम हमारे दुख पाप नष्ट करती हो, तो वो पानी के अंदर वो वाइब्रेशन आ गई. कितना पावर आ जाएगा ना. तो वो वाइब्रेशन आ गई उस पानी के अंदर. और वो एक आत्मा नहीं दे रही है ना. हियर इट इज पावर ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, क्योंकि कितनी सारी आत्माएं हर रोज कितने सालों से उस पानी को वो वाइब्रेशन दे रही हैं. तो वो पानी के लिए वो एक वरदान है और वो पानी सबके लिए वरदान बन जाता है फिर. कि वो पानी, कोई बीमार है, कोई मन अशांत है, हम पानी उसको वो लाकर देते हैं. गंगा जल पिलाओ इसको, क्योंकि वो गंगा जल में कौन सी वाइब्रेशन है? तुम सबके दुख मिटाती हो, सेहत देती हो, मन को शांत करती हो. वो पानी अब लेकर जाकर सबको पिलाते हैं. तो ये हमें रोज़ करना है. हमें ये सारी चीज़ें पता हैं, हमने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, लेकिन हम इसको पर्सनल लाइफ में नहीं करते. हमें अगर इसको पर्सनल लाइफ में, जैसे ये लाइन है, सबके दुख अशांति मिटाने वाली हो, मतलब सबको सुख और शांति देने वाली हो. पाप भी मिटा देती, लोग कहते हैं मिटाते हो. पाप क्या है? हाँ. कि इग्नोरेंस पाप है या कोई गलत सोच. हाँ. मन को जब शांत और सुख देगी तो सोच तो अपने आप सही हो जाएगी, सोच सही हो जाएगी, कर्म अच्छे हो जाएंगे. तो ये हम रोज़ पानी को कर सकते हैं. आज हर एक इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह ले. मन को ये कहने न दे कि मेरे पास टाइम नहीं है. अगर मन कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मन को कहना 10 मिनट्स. पूरा प्रोसेस को भी अगर हम देखें कि पानी लाना है, इकट्ठा करना है, बैठना है 5 मिनट, उसके साथ मेडिटेशन करनी है, फिर वो पानी सबकी बॉटल्स में डालना है, पूरी एक्सरसाइज भी अगर 10 मिनट्स की है, लेकिन 10 मिनट का रिजल्ट मुझे क्या क्या मिलने वाला है. सबकी बॉटल्स रेडी आती है थैले में, सिर्फ एक एक में इंटेंशन डाल के सब बच्चे जमा हो जाते हैं, अपना अपना तुलसी डाल के एक गेम बन गया है. सबको बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे बोलो. हाँ. वो भी अपना इंटेंशन डाल देते हैं. तो 10 मिनट्स का समय और प्योर एनर्जी इन्वेस्ट की, और ये इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या है कि पूरा दिन इस पानी को जो पिएंगे वो मन शांत, शरीर हेल्दी. तो 10 मिनट्स आपस में प्यार कितना बढ़ जाएगा. 10 मिनट्स. और कहाँ तो ये हम सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। कुछ भी करने के लिए रेडी है। कुछ कुछ पहन लेते हैं, अंगूठियाँ, क्या प्रोटेक्शन, क्या नाम के। यही चीजों का असर हमने दवाइयों के साथ भी देखा है। हम सबको प्लेसिबो इफेक्ट पता है, राइट? अब प्लेसिबो इफेक्ट क्या कर रहा है, मन ने एक थॉट क्रिएट की कि ये दवा मुझे ठीक करती है। तो जब हम उस दवा को खा रहे हैं तो हमने उस दवा को वाइब्रेशन कौन सी दी कि ये दवा मुझे ठीक करे, मेरी इस चीज को पूरी तरह से ठीक करती है। तो वो दवा खाते समय वो वाइब्रेशन भी साथ में गई, वो दवा ने वो काम कर दिया। कभी कभी हम दवा खाते समय ये इंटेंशन क्रिएट करते हैं, ये दवा का साइड इफेक्ट मुझे वीकनेस फील होगी, ये दवा का साइड इफेक्ट मेरा सर दर्द होगा, ये दवा का साइड इफेक्ट मुझे नौशिया होगा, ये दवा से मेरी किडनी खराब हो जाएगी। ये क्या हुआ, खाते समय उस दवा को ये इंटेंशन देकर खा लिया। जब लोगों को साइड इफेक्ट पता नहीं होते तो साइड इफेक्ट कम होते हैं। जितने साइड इफेक्ट पता चल जाते हैं तो साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो मन ने वो वाइब्रेशन क्रिएट की, बॉडी को भी दी, मन ने वो दवा को भी वो वाइब्रेशन दी। मेरी गलती हुई एक दिन, जो मैं हाई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा था, उसके पैकेट के पीछे पढ़ लिया, उसमें वार्निंग और साइड इफेक्ट्स उन्होंने अपनी तरफ लिख दिया, और सारा पढ़ के मैं वो जो खाता रहा, एग्जैक्टली वो सारे साइड बैड इफेक्ट उसके मुझे आने लग गए ना। अब वो दवाई तो पहले से भी खा रहे थे, जब नहीं पता था सब ठीक था। Here we have to see power of the mind, power of the vibration, power of the intention to everything that we eat and drink. अब इसका हम opposite भी कर सकते हैं कि किसी दवा का ये side effect है। Let's say it's more or less certain कि ये दवा खाने के बाद ये एक particular चीज़ होगी, लेकिन वो दवा खाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम वो दवा खाते समय उसका इंटेंशन डाल सकते हैं कि दिस दवा सिर्फ मेरे लिए अच्छा करेगी, इसके साइड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स मुझ पर असर नहीं करेंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। अच्छा, ये दवा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की शक्तियों से भरपूर, ये दवा सिर्फ मेरे अंदर जाके ये पर्टिकुलर चीज़ को ठीक कर मुझे हेल्थ दे रही है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब खाएं, क्योंकि दवा तो खानी है वो, और उसका साइड इफेक्ट भी सपोज है कि ये होता है, लेकिन हम उसके इफेक्ट को अपनी थॉट के साथ क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर हम उसके इफेक्ट को अपनी थॉट के साथ क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स रोज करने हैं और इनके रिजल्ट्स देखने हैं। जब है हम इनके रिजल्ट्स मिलेंगे ना, जैसे आपने कहा ये एक गेम बनता जाएगा, हम इसको हर जगह यूज़ करते जाएंगे। जितना यूज़ करते जाएंगे इसका रिजल्ट बढ़ता जाएगा। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है, हम इसके सारा दिन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, खाना भी नहीं खा रहे, आपको एक वो दिया हुआ है आईवी से आपको दवा मिल रही है, खाना मिल रहा है। अब हॉस्पिटल में फैमिली मेम्बर्स आसपास बैठे हैं, अनअवेयर हम चिंता और फियर की थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। अब अवेयर थॉट्स क्रिएट करते हैं कॉन्शियसली कि वो जो फ्लूइड जा रहा है और फिर वो यहाँ से बॉडी के अंदर घुस के अपना काम करने वाला है, उस फ्लूइड को एनर्जाइज किया। सिर्फ उस फ्लूइड की मेडिसिनल प्रॉपर्टी अंदर नहीं जानी चाहिए, इस फ्लूइड के साथ वाइब्रेशंस भी अंदर जानी चाहिए। तो हर बार जब वो फ्लूइड जा रहा है अंदर, हम उसको एक इंटेंशन देते जाते हैं, ये दवा परमात्मा की शक्ति से भरपूर, ये जैसे एक एक ड्रॉप अंदर जा रहा है तो सिर्फ दवा नहीं जा रही है, भगवान की डिवाइन हीलिंग इसके थ्रू अंदर भरती जा रही है। गॉड्स मिरेकल। यस, दिस इज समथिंग वी नीड टू एक्सपेरिमेंट विद। द अदर डे आई वाज डूइंग दिस विद अ लेडी हु वाज गोइंग फॉर कीमोथेरेपी। अब कहते पहले जब कीमोथेरेपी के लिए जाते थे सेशन के लिए, तो फियर, इनसिक्योरिटी एंड एक अनईज, फिर एक फियर के इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट ये सारे होंगे। जब हम ये सारी वाइब्रेशन के साथ जाते हैं, दवा भी अंदर जा रही है लेकिन साथ में ये वाइब्रेशन भी क्रिएट हो रहा है और ये वाइब्रेशन अंदर जाने वाली चीज़ के ऊपर भी प्रभाव डाल रहा है। जैसे ही ये पता चला, कहते अब मैं रोज़ जाती हूँ और जितनी देर वो कीमोथेरेपी का सेशन चल रहा है मैं इसको बोलती जाती हूँ कंटिन्यूसली, ताकि कोई और थॉट तो आएगी नहीं और ये वाली थॉट्स कांस्टेंट होती जाएंगी। गॉड की हीलिंग एनर्जी इसमें भरी हुई है, ये अंदर मेरे जाकर भगवान की शक्ति मेरे अंदर के हर कैंसर सेल को ख़त्म कर मुझे परफेक्ट हेल्दी, मुझे पावरफुल, इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शी सेड आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट लाइक अ मंत्रा, चैंटिंग कि क्योंकि कुछ घंटे रहना है उस सेशन में, कंटिन्यूसली करती जाती हूँ एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर एंड हेल्दियर। मन शांत, ये कितनी छोटी चीज़ें जो हमारे जीवन के सारा दिन में हम कर सकते हैं ना। हमें सिर्फ एक दिन बैठकर एक छोटी सी लिस्ट बनानी है, हम कितनी जगहों पर वाइब्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं सारा दिन, कि जो चीज़ हम ले रहे हैं उसको इंटेंशन डाल के फिर लेना है। तो धन की एनर्जी को हमने क्या कर दिया, हायर कर दिया। मन की एनर्जी को हमने रेज कैसे किया कि सुबह सुबह राइट इन्फॉर्मेशन लेने हैं, रात को सोने से पहले राइट बातें भरने हैं और सारा दिन में इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखना है, संग का ध्यान रखना है। तो अन्न का भी ध्यान हुआ, मन का भी ध्यान हुआ, तन के ऊपर तो उसका असर होना ही है। अब धन का भी ध्यान रखना है, फोर्थ एनर्जी। तो धन, अन्न, मन, तन, और जैसे ये चारों होंगे वैसे फिर हमारे संबंध, उनके ऊपर उसका असर होगा। तो धन का ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है कि धन भी जो हमारे घर आ रहा है वो एक वाइब्रेशन के साथ आता है, वो एक एनर्जी के साथ आता है। मनी इज़ नॉट जस्ट करेंसी, मनी इज़ नॉट जस्ट नोट्स, कॉइन्स। मनी इज़ वाइब्रेशन एंड एनर्जी विच कम्स टू आवर हाउस। तो धन कमाने के तरीके पर भी अटेंशन, बहुत 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 अटेंशन, कि वो धन एकदम क्लीन हो। हम कहते हैं वाइट मनी, वाइट मनी मतलब जिसकी एनर्जी भी वाइट हो। मैंने ये प्रश्न किया था जगतगुरु शंकराचार्य से, उन्होंने कहा कि लक्ष्मी और पैसे में बहुत अंतर है। मैंने बोला कैसे? बोले लक्ष्मी वो है जो प्योरिटी से, ऑनेस्टी से कमाई जाती है, उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, देवी का। और बाकी जो खराब कमाई है उसे पैसा या धन, जो आपको कहना है कह लीजिए। अब हमें ये सब पता है ना, अब हमें इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। जब हम कहते हैं गलत तरह से कमाया हुआ धन, लेकिन गलत तरह से कमाए हुए धन की डेफिनेशन भी तो आज चेंज होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो गलत तरह से कमाई जा रही है, किसी को दुख दे के भी पैसा बचा लिया या कमा लिया, थोड़ी सेफ्टी कर ली, किसी की मजबूरी देखिए। आज समझो किसी को बहुत ज़रूरत है यार, वो लोग बोलते भी हैं आजकल बहुत, कोई ऐसी चांस में प्रॉपर्टी मिली तो दिलाना, कोई ज़रूरतमंद हो तो, यू नो, कोई डिस्ट्रेस सेल देना। कई बार ये लोग कहते हैं कि वो बेचारा बर्बाद हो गया, बैंक उसको ऑप्शन कर रही, मैं आपको सस्ते में करवा देता हूँ। अच्छा मुझे ऐसे घर में नहीं रहना है भाई, क्योंकि वाइब्रेशन हाई नीचे, किसी के दर्द से बिका हुआ घर से, राइट। तो गलत तरह से कमाए हुए धन की डेफिनेशन भी खुद क्रिएट करनी होगी। ये खुद नॉर्मल जो चल रहा है उसकी डेफिनेशन से अपनी डेफिनेशन नहीं क्रिएट करना, क्योंकि कलयुग में नॉर्मल की डेफिनेशन ही बहुत डिफरेंट हो गई है। सही बात। बहुत चीज़ें आज जो अनएथिकल हैं, जो औरों को दुख देती हैं, जो एक सटल वे, नॉट अ डायरेक्ट वे, बट एक सूक्ष्म रूप से एक्सप्लॉयटेशन है, एक सूक्ष्म रूप से चीटिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आज नॉर्मल का लेबल लग चुका है। और जब उन पे नॉर्मल का लेबल लग जाता है तो बहुत लोग उसको करना शुरू कर देते हैं, और जब बहुत लोग उसको करना शुरू कर देते हैं दे आर नॉट इवन अवेयर कि ये हम गलत तरह से धन कमा रहे हैं। तो ये बहुत एक पर्सनल, ये जनरल नहीं हो सकता, ये हर एक को पर्सनल चेकिंग, क्या मेरा धन हाई एनर्जी के साथ घर पर आ रहा है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये किसी और की डेफिनेशन से डेफिनेशन नहीं क्रिएट करनी है। किसी का काम ठीक नहीं लगा, हमने उसको पेमेंट ही नहीं दी, अगर वो असंतुष्ट रहा हमारे पास उसकी वाइब्रेशन आएगी। हमने धन बचा लिया लेकिन किसी का मन असंतुष्ट हो गया। काम में क्लैरिटी, धन में क्लैरिटी, एकदम एथिकल और दूसरे के मन को शांत करके कमाया हुआ धन, दूसरे के मन को असंतुष्ट अशांत करके कमाया हुआ धन घर में अशांति की एनर्जी लेकर आता है। ये छोटी चीज़ नहीं है। हम छोटे छोटे तरीकों से धन बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो छोटे छोटे तरीकों में अगर किसी का मन डिस्टर्ब हुआ है और हमने वो धन कमाया, वो धन हम क्यों ज़्यादा कमाना चाहते हैं? ताकि हमारे घर में खुशी आए, लेकिन वो धन किसी को डिस्टर्ब करके बचाया गया है, किसी को डिस्टर्ब करके कमाया गया है। वो धन घर में खुशी नहीं ला सकता, वो धन घर में डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। सही बात है। तो ये हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। सिस्टर, हमारे यहाँ ना मैं विवेक का काम संभालता था, तो बिजनेस हमारा ऐसा है कि कोई आपको एडवांस पेमेंट दे दे कि आपको काम करना है और आपको उसने साइनिंग अमाउंट दे दी, तो आप ले लिए, इट्स योर्स। और आपने डेट दे दी, उन्होंने शूटिंग नहीं की, तो आप बोलते अपॉर्चुनिटी लॉस, ये लॉस वो लॉस, आप भले पिक्चर आगे बनाओ नहीं बनाओ, इट्स योर प्रॉब्लम। तो वो बोलते हैं कि आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपने हमें पैसा दिया, आप काम ले लीजिए, पैसा दिए तो वापस क्यों दे आपको पैसे का? We never signed कि हम पैसा वापस देंगे unless it is written. Yes. तो मोस्टली हमारे यहाँ वर्बल होता था पहले, तो बड़ी बड़ी अमाउंट्स 50 लाख करोड़ ऐसे के चेक्स विवेक के पास 3-4 लोगों के थे, एक के किसी 11 थे, किसी 21 थे। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, धीरे धीरे एक आया, बोला कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और उनकी फैमिली में मैंने देखा भी था कि पता नहीं क्या, बोला मेरे 11 लाख रुपए दिए थे सुरेश जी, मैं पिक्चर नहीं बना पाऊंगा, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप मुझे मेरे पैसे वापस दे सकते हो? तो मेरे मन में कुछ आया, चेक बुक सामने पड़ी, बना के दे दिया। सिस्टर 15 दिन बाद उनकी हालत, उसकी हेल्थ एक्चुअली ख़राब थी, हॉस्पिटल गया, उसका पैसा काम आया लेकिन वो मर गया। तो मैंने बोला अगर ये नहीं देता उस दिन, और ये मरना तो था इसको, तब क्या लेके वो एनर्जी में जाता और मैं इसके 11 लाख लेके क्या कर लेता? लेकिन वो 11 लाख वापस देना राइट था या नहीं राइट था? हक तो उसका था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, मतलब ये कि आपने पैसा एडवांस दिया काम लेने के लिए, तो आप काम लीजिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने धन दिया, लेकिन आपने वो काम नहीं करवाया और तो वो धन, डेट भी खराब की, तो वो धन आपका हो गया। अब नॉर्मल की डेफिनेशन से ये धन आपका है। अगर आप और किसी को उस समय, आज के जमाने के हिसाब से देखो, ये धन आपका है। अगर आप किसी और से उस टाइम राय भी लेते, वकील बोलता आपको देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो धन आप जब उसको ना देते तो उससे आपको वाइब्रेशन कौन सी मिलती रहती? कितनी पेन की, सिर्फ एक आत्मा की नहीं, पूरी फैमिली की। और उस दिन वो धन उनको देकर आपके घर का धन थोड़ा घटा, धन तो थोड़ा सा घटा था, शायद उससे ट्रिपल आया होगा, बोल नहीं सकते घटा, नहीं वो अमाउंट उस दिन तो घटा ना, उस दिन वो अमाउंट, क्योंकि क्यों हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ देखते नहीं मेरे पैसे कम, मेरे पैसे ज़्यादा, वी आर फोकस्ड ओनली ऑन दैट, Why should I give what is mine? उस दिन वो धन थोड़ा सा घटा, लेकिन आपने नॉर्मल की डेफिनेशन अपनी क्रिएट की, और आपकी डेफिनेशन थी जब काम नहीं हुआ है ये पैसे हम उनको वापस दे सकते हैं, उस दिन दुआएं कमाइए। लेकिन सिस्टर इसके बाद क्या हुआ, मेरे मन के अंदर परिवर्तन आया, पता नहीं इससे क्या दुआ दी, मैं इतना बदल गया कि फिर मैं बुला के जिसके 51 लाख थे, जिसके 1 करोड़ थे, उनको जब दिया तो वो लोग भी तो मांग ही रहे थे। मैंने बोला किस बात के भाई, आप शूटिंग करो। तो जब मांग रहे थे तो वो आया कि सुरेश जी आप मुझे जो पैसे दे रहे हैं, आपको मालूम है हमको घर खाली करना पड़ता था अगर आज आप ये नहीं देते तो। बोले आपने हमें घर से खाली करने से बचा दिया। और उसकी माँ का फोन आया, दुआएं। अब ये धन जो हमारे घर आएगा ये दुआओं से भरपूर है। जैसे आपने कहा ना लास्ट टाइम कि कोई एक भी चीज करते हैं तो विल पावर बढ़ता है, तो तो जब मैंने देने का मेरा एक दिल खुला, तो 11 से शुरू हुआ, 51 भी दिए लोगों का जिसका करोड़ दे, उनके सबके देखे अब इतना शांत हूँ मैं, उसका 100 गुना आ रहा है। ये करने से क्या हुआ, आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो गई। आपने अपनी नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज कर दी। ये है अपनी पर्सनल नॉर्मल की डेफिनेशन क्रिएट करना। ये सारा दिन में कितनी चीज़ों में होता है। कोई घर बिकने वाला है, आपने एक एडवांस अमाउंट ले लिया, सामने वाला फिर वो घर नहीं ले पाया, आपने वो एडवांस वापस कर दिया। आसपास के सब लोग क्या कहेंगे, ये वापस थोड़ी करना होता है, ये तो आपका है। फॉरफीट एक वर्ड है। डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल खुद की क्रिएट करें। आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोलता है नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं। हमारे लिए नॉर्मल की डेफिनेशन वो होगी जिसकी एनर्जी हाई है। बाहर की नॉर्मल की डेफिनेशन अलग क्राइटेरिया पे बनती है। हमारे लिए नॉर्मल की डेफिनेशन वो होगी जिसमें वो धन दुआओं के साथ आएगा। वो धन औरों को सुख, औरों को खुशी देकर फिर हमारे घर आएगा। वो धन में सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं, औरों का भी फायदा होगा। तब वो धन प्योर एनर्जी, वो धन हमारे घर लक्ष्मी आएगा। तो फिर धन से अन्न, से मन, से तन, भाग्य हाई फ्रीक्वेंसी का। इसलिए लोग पूजा करते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। थैंक यू सो मच सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। मेडिटेट एंड गिव pure vibrations to the water which the family is going to drink throughout the day. Connect to God and give the water thoughts of happiness, health and harmony. We can carry a bottle of water if we are visiting any place where pain and stress is a very dominant emotion. While having medicine, if we create thoughts of helplessness or fear, or we think about the side effects of the medicine, then we radiate those vibrations to the medicine. These vibrations can increase the chances of us having those side effects. We can connect to God and energize medicine. We can create thoughts, this medicine is charged with God's divine healing powers. This medicine is magical for me. This medicine has no side effects. I am a powerful soul. My body is perfect and healthy. The money we earn should come with blessings of people with whom and for whom we are working. If we have disturbed someone's mind in the process of earning money, then the money carries with it vibrations of pain. If you wish to discuss your problem or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660.